कैसे बोलूं, एक शॉक न्यूज पता चला है मुझे अभी। रोटी बना रही थी, हस्बैंड ड्यूटी जा रहे थे तभी पता चला नीचे, फिर और मन नहीं हुआ मेरे को नाश्ता बनाने का। बस एक लास्ट रोटी है, अब मैं ना उसके लिए कभी भी खाना नहीं बनाऊंगी। हमेशा मैं उसके लिए दो टाइम खाना बनाती थी। अगर बहुत बुरा फील हो रहा है मुझे, मैं बहुत भावुक हूँ, इंसान हो या जानवर, मेरे दिल में सबके लिए प्यार है। और मेरा जो कालू था वो अब नहीं रहा, कैसे बोलूं, किसी को लगेगा कि बनावटी है, पर बहुत हर्ट हो रहा है, फील हो रहा मुझे। कल रात तक मैंने उसे दूध चावल दिया है, दो टाइम मैं उसको खाना जरूर देती थी। अगर मेरे घर में कुछ ऐसा बना होता था, खिचड़ी वगैरह जो वो हम खाते थे, वो नहीं खाता था, तो उसके लिए अलग से मैं रोटी बनाती थी, ब्रेड या बिस्किट वगैरह देती थी। 5-6 साल से शायद मैं उसको खाना दे रही थी। आवारा डोगी था, मैं उसको पाली नहीं थी, मतलब घर पे ऐसे रख के केयरिंग नहीं, बस दो टाइम उसको खाना जरूर देती थी। और मेरे बहुत सारे वीडियो में वो आया भी है। अभी अचानक से अगल बगल के लोगों ने बोला पड़ोस में कि आपका कालू मर गया है। अभी मैं ले चलती हूँ, दिखाती हूँ। अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, हस्बैंड ड्यूटी जा चुके हैं, अब कोई मिल जाए तो मैं गड्ढा खुदवा के उसको दफना देती हूँ। अब ये सारी मेरी टेंशन है, कोई मिल जाए तो फिर ये काम करती हूँ। थोड़ा बताती हूँ, इंसान हो या जानवर, अगर आप उसको प्यार करते हो ना, तो उसके लिए थोड़ा अटैचमेंट हो जाता है, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। दिखाऊंगी अभी आप लोगों को, यहीं से थोड़ा दिखाती हूँ। वो दो लेडीज़ हैं, उनके घर के बगल में हैं। ये देखो, ये मेरा कालू है, जो काला काला से दिख रहा है ना, ये मेरा कालू है। वो वहाँ सोया हुआ है, हिला डुला नहीं, तो इन लोगों ने बताया कि वो मर गया। वैसे सोया है, पता नहीं क्या हुआ, रात को किसी ने कुछ खिला दिया, क्योंकि चोर लोग भी बहुत घूमते हैं ना हमारे गलियों में, हमारे एरिया में, तो ये बहुत ज़्यादा भौंकता था, तो हो सकता है किसी ने कुछ जहर वहर तो नहीं दे दिया। इतने दिन से सही था, कल रात तक मैं इसको खाना दी हूँ, कल रात को दूध चावल दी हूँ, खाया है। और उसके बाद तो देखो, आज सुबह 8 बजे मेरे को पता चला कि मेरा कालू वहाँ पे सोया पड़ा है। अभी चलती हूँ नीचे। चलो हम दिखाते हैं मेरा कालू। ये रहा मेरा कालू, सोया पड़ा है बेचारा। मैं दो लोगों से बात की, यहाँ काम चल रहा, पर वो नहीं बोले, वो उनका खुद का काम है, लेबर कोई मिल नहीं रहा है कि मैं किसी से गड्ढा खुदवा लूँ। तो मैं ना बहुत परेशान हो रही, इसे बातों से ना मेरे सर पे मतलब इतना टेंशन आ जाता है। कोई मिल जाता तो पैसे दे के करवा देती, पैसे लेके भी कोई नहीं मिल रहा है कि कोई काम कर दे थोड़ा। अब मैं ऐसी बैठी हूँ भूखी प्यासे, काम की वजह से, काम भी रह रहा है और ये टेंशन भी। अब किसको बोलूँ, कहाँ ढूँढूँ मैं लेडीज, अगल बगल के लोगों को, किसी को कोई टेंशन ही नहीं, कोई मिल ही नहीं रहा। मेरा कालू बेचारा वह हमारा पड़ा है, अब जब तक उसको ज़मीन में दफना नहीं लूँगी तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। मेरे आँखों के सामने मैं देखा नहीं जा रहा, लेकिन क्या करूँ, देखती हूँ आधे एक घंटे के अंदर, क्योंकि वो सबके लिए हानिकारक है।
उसके लिए बस यही है, चलो वो मर गया उसको नया जीवन मिलेगा, कुछ भी है थोड़ा संभल गई हूँ। बट ये ना ज़्यादा देर तक पड़ा रहा और सड़बड़ गया, फिर उससे कितनी बैक्टीरिया पनपेंगे, कितनी बीमारियाँ आएगी, ये भी तो है ना। अब देखो मैं देखती हूँ, शाम तक दोपहर तक कोई ना कोई मिल जाएगा, मैं ढूंढ ढूंढ के उसका काम करवा ही दूँगी।